नाखून है ना ये अंगूठे के, वो खुल गए बहुत, वो रस्सी पड़ गई उनमें यात्रा में, वो आप लैंडस्लाइड के टाइम पे अंदर, आप इन दीदी को बताइए सर, बता भाई लैंडस्लाइड के टाइम पे जैसे ही पत्थर आ रहे थे ना, तो आर्मी वाले कभी रोकते हैं कभी थोड़ा निकालते हैं दौड़ा के, उस दौड़ने करने में ही अभी ठीक है, बहुत सारे लोगों को हुआ है अभी ठीक है वो हा? अभी ठीक है आपकी वाइफ? हाँ ठीक तो क्या, बस वो रोज पट्टी करवा रहे हैं 3 दिन से। अच्छा, डॉक्टर ने बोल दिया भाई ये अपने आप निकलेगा तब जाके सही होगा, तो नाखूनों में फंस पड़ गया उनके, तो पत्थर लग गया था क्या उनके नाखूनों में? पत्थर नहीं लगा, बाल टाल जो रास्ता है ना स्लोप वाला। अच्छा, स्लोप की वजह से वो दौड़ दौड़ के दौड़ाया ना, लैंडस्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड ज़्यादा दौड़ा, 6-7 घंटे तक तरह हम वहाँ ऐसे किसी खड़े खड़े, और हमारे साथ कम से कम 500-700 आदमी थे, ऐसे थोड़े की सिग्नल थे, और बहुत स्ट्रगल किया है लोगों ने, आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, देखो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आर्मी वालों ने किया, और जो यात्री थे उन्होंने भी आपस में बहुत सहयोग किया हुआ, और अच्छे अच्छे हौसले से आए हमारे 15 मिनट बाद में, तो फिर जो पहाड़ गिरा ना उसमें 20-25 आदमी घायल हुए बेचारे। अच्छा, एक पटेला का बच्चा था, उन्हें दूसरा रोज मिला तो उसके यहाँ पीठ पे आगे गिरा पहाड़ सारा, उसको सांस ही नहीं आ रही थी, उसको भी साथ लेके आए हम, बिहार की 2-3 लेडीज थी, वो डूब गई, घूम गई नहीं डूब गई थी वो। अच्छा, उनका ग्रुप से, फिर रात के 10 बजे करीबन वो हमारे साथ ही थी बस में, उन्होंने कहा कि हम तो आप लोगों के साथ ही रहेंगे, हम 2 कपल थे, फिर हमारे साथ ही सुलाया बैठाया उनको, दूसरे रोज गाड़ी में बैठाया उनको बस में। चलिए, इतनी सेवा कर दी आपने, उनकी हेल्प हो गई थोड़ी, 6-7 घंटे तक बहुत परेशान रहे लोग, नहीं ये जो है परेशानी इस बार, ये पेशेंस था सब लोगों के बीच में, बिल्कुल भोले बाबा के साथ में सहयोग एक बहुत जरूरी, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ मैं तो, कि उसने जब इतना सुना दिया और फिर भी हम इतना सा सहयोग नहीं करा तो फिर हमारा बेकार, ये सेवादार जैसे भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, मेरे से कर रहे हैं कम से कम, सही बात है, तो यहाँ तो मानवता दिखाएं, बिल्कुल ठीक है, क्या बोलेंगे।